नमस्कार दोस्तों, देश के ये दो कानून बहुत ही प्रमुख कानून हैं और दोनों का नाम है आईपीसी और सीआरपीसी। अनेक बार आईपीसी जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं और सीआरपीसी जिसे दंड प्रक्रिया कहते हैं, इन दोनों के बीच में अनेक लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इसका अंतर क्या है, दोनों कानून का आपस में रिलेशनशिप क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आईपीसी और सीआरपीसी को, आसान भाषा में दोनों का अंतर और दोनों का अंतर संबंध यानी इंटर रिलेशन। तो सबसे पहले आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, और सीआरपीसी का फुल फॉर्म है, सीआर का मतलब क्रिमिनल, पी प्रोसीजर, सी कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यदि हिंदी में हम कहें आईपीसी भारतीय दंड संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कहेंगे हम दंड प्रक्रिया संहिता। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दोनों कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्रिमिनल कानून है, मतलब जो क्रिमिनल केसेस चलते हैं, वो इन दोनों कानूनों के बगैर अधूरे होते हैं। यानी पूरी जो प्रोसीजर होती है, कोर्ट की जो कार्य पद्धति होती है, वो सब सीआरपीसी के अंतर्गत बताई गई है। तो इन कानूनों के बिना क्रिमिनल कोर्ट की परिकल्पना भारत में नहीं की जा सकती। आइए स्टार्ट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर। तो सबसे पहले हम आईपीसी की बात करते हैं। आईपीसी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंडियन पीनल कोड, जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं। एक और खास बात आपने देखी कि दोनों में ही आखिरी में सी लगा है, मतलब कोड लगा है, संहिता। बोथ आर कोड नॉट एक्ट। एक्ट जो होता है वो स्पेसिफिक किसी विषय को लेकर होता है, और कोड जो होता है बहुत सारी बातों को अपने अंदर समाहित करने वाला है। कोड यानी संहिता, संहिता मतलब जिसमें अनेक बातें अपने अंदर समाहित है। तो हम यदि अधिनियम को नदी कहें तो कोड समुद्र कहा जा सकता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी बातें समाहित होती है। जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारी नदियां समाहित होती है, उसी प्रकार कोड में बहुत सारी बातें समाहित होती है। तो आईपीसी में कौन सी बातें समाहित है? सबसे पहले आईपीसी हमारे देश का प्राइमरी क्रिमिनल लॉ है, यानी जितने भी अपराध होने वाले हैं, अधिकांश अपराध जो है वो आईपीसी में वर्णित किए गए। शरीर के खिलाफ अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, सरकारी सेवक के विरुद्ध अपराध, शादी के संबंध में अपराध, मानहानि, आपराधिक अभित्रास यानी धमकी देना। तो विभिन्न कैटेगरीज बताई गई है अपराधों की, विभिन्न कैटेगरीज आईपीसी में बताई गई, विभिन्न प्रकार के अपराधों को इसमें समाहित किया गया है। और आईपीसी 1860 यानी ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया कानून है 1860 का, जो 1 जनवरी 1862 से हमारे देश में लागू हुआ और आज भी प्रचलन में है। तो 1 जनवरी 1862 का पुराना कानून आज 2022 तक अभी तक कंटिन्यूअसली चल रहा है, और ये 23 चैप्टर और 511 धाराओं में डिवाइडेड है। इसमें कुल मिलाकर 23 अध्याय हैं और कुल 511 धाराएं हैं। तो सबसे बड़ा क्रिमिनल कानून इसे कहा जाता है। यदि हम सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता कहेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता नाम से स्पष्ट है, प्रक्रिया यानी प्रोसीजर। तो ये कानून प्रोसीजर बताने वाला है। प्रोसीजर किस चीज की? प्रोसीजर, प्रोसीजर बताने वाला है न्यायालय की प्रोसीजर की। न्यायालय में अपराधियों का विचारण कैसे चलेगा, आरोपी का विचारण कैसे चलेगा, मतलब ट्रायल कैसे चलेगी, सुनवाई कैसे होगी, मजिस्ट्रेट के पावर क्या होंगे, मजिस्ट्रेट कैसे दंड देगा, दंड का एग्जीक्यूशन क्या होगा। तो प्रक्रियात्मक बातें बताने वाला कानून है सीआरपीसी। सीआरपीसी 1973 में बना है, 1 अप्रैल 1974 से ये लागू हुआ हमारे देश में। तो सीआरपीसी की हम बात करें तो चैप्टर इसमें 37 है, आईपीसी से ज्यादा चैप्टर, लेकिन धाराएं आईपीसी से थोड़ी कम है, 484 धाराएं और 2 शेड्यूल यानी 2 अनुसूचियां भी इसमें बताई गई। अब हम बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी सारवान विधि है। सारवान विधि मतलब वह विधि जो किसी बात को डिफाइन करती है, किसी बात अपराधों को परिभाषित करती है, यानी क्या चीज अपराध होगी, क्या काम करना अपराध होगा, उनको एक्सप्लेन करने वाली जो लॉ है वो है सब्सटेंशियल लॉ, और आईपीसी सब्सटेंशियल लॉ होती है। यदि हम सीआरपीसी की बात करें तो ये किसी को परिभाषित नहीं करती, ये तो सीधे डायरेक्ट प्रोसीजर बताती है कि कैसे प्रोसीजर होगी, क्या प्रक्रिया होगी। तो ये प्रक्रियात्मक कानून है। तो सबसे पहले आईपीसी सब्सटेंशियल यानी सारवान विधि है, और सीआरपीसी प्रक्रियात्मक कानून है, जिसे हम प्रोसीजरल लॉ कहेंगे। आईपीसी ऑफेंसेस का वर्णन करती है, विभिन्न प्रकार के अपराधों का उल्लेख करती है, राज्य के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, शरीर के विरुद्ध अपराध, ये सब अपराध बताए गए। लेकिन सीआरपीसी में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, न्यायालय जांच कैसे करेगी, न्यायालय में विचारण कैसे होगा, उन बातों का उल्लेख सीआरपीसी में किया गया है। तीसरा, क्या पनिशमेंट, क्या करना पनिशमेंट, अगर क्या काम करेंगे जिसकी वजह से पनिशमेंट होगा, ये बताती है व्हाट पनिशमेंट विल बी गिवन और कितना पनिशमेंट होगा।
लेकिन पनिशमेंट कैसे दिया जाएगा उसका जो प्रोसीजर है वो सीआरपीसी बताने वाली है। यानी हम आईपीसी को थ्योरिटिकल एस्पेक्ट कह सकते हैं, हमारे देश का क्रिमिनल कानून का एक थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन सीआरपीसी को हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कह सकते हैं कि व्यवहारिक पहलू है, ये सैद्धांतिक पहलू बताता है, ये व्यवहारिक पहलू बताता है। उसके बाद यदि आईपीसी की बात करें तो हमारे देश का ये पीनल लॉ है, यानी दांडिक कानून है, लेकिन सीआरपीसी की बात करें तो न्यायालय की शक्तियां क्या होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की शक्तियां क्या होगी, मजिस्ट्रेट के क्या पावर होंगे, मजिस्ट्रेट का कैसे कंपोजिशन होगा, इन बातों पर विशेष ख्याल रखता है सीआरपीसी। तो ये है मित्रों डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। आईपीसी सीआरपीसी के अंतर को आप लोगों ने समझा होगा। आई थिंक यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।